क्वेश्चन नंबर 7.3 है, कहता है डिफाइन डिस्क्रीट एंड वेरिएबल गिविंग इलस्ट्रेशन और व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक सवाल दूसरा पार्ट है, कहता है एक बैग है उसमें 4 रेड हैं 6 ब्लैक बॉल्स हैं, रेड 4 होगी 6 ब्लैक टोटल 10 होगी, 4 बॉल सेलेक्ट करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट और एक्स से डिनोट करो रेड बॉल्स को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दो एक्स के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला सवाल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कहता है रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक ओनली फिनिट नंबर ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स, जिसमें हम फिनिट्स नंबर लेते हैं, यानी 5 हैं 10 हैं 20 हैं 100 हैं, यानी लिमिटेड जो हों, वो जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल इसकी क्या है, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया जिसमें एक डाई हमने रोल की 1 2 3 4 5 6 उसमें आया था, तो वो क्या है एक तरह से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जिसमें यानी हम इस तरह वैल्यूज लेते हैं फिर उनको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम, यानी हम पहले एक्स की वैल्यू सारी ले लेते हैं फिर उनकी फ्रीक्वेंसी और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के दरमियान होती है और सम हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 4 रेड हैं 6 ब्लैक हैं टोटल 10 है, सेलेक्ट कितनी करनी है 4। अब 4 में से मे भी कोई भी रेड ना हो तो चारों फिर कौन सी होंगी, ब्लैक होंगी। अगर एक रेड होगी तो, क्योंकि रेड और ब्लैक बोल देना, एक रेड होगी तो 3 ब्लैक, टोटल 4 करनी है पूरी। 2 रेड हैं तो 2 ब्लैक, 3 रेड हैं तो 1 ब्लैक, चारों रेड हैं तो कोई भी ब्लैक नहीं होगी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जैसे हमने इससे पिछला सवाल किया वैसे इसका टेबल बनाते हैं। पहले हम एक्स की वैल्यूज ले लेंगे 0 1 2 3 4, अब देखें प्रोबेबिलिटी कैसे बनानी है। 4c0 इसका आएगा 6c4 और ये चेंज नहीं होगा 10c4। ठीक है, फिर आगे 4c1 मल्टीप्लाई 6c3 और 10c डिवाइडेड बाय 10c4, फिर 4c2 6c2, इस तरह ये सारा बना लेना आपने और फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है आपने। ठीक है जी,